नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक? वेल बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 4 एसएसटी का सेक्शन सी। ओके, तो बस थोड़ा सा ही एसएसटी का सेक्शंस बाकी है और फिर हमारा एसएसटी का प्रीलिस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। साइंस का ऑलरेडी कंप्लीट है, गुजराती इंग्लिश अपलोड होते होते जा रहे हैं, तो आप प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करते जाइए। एंड ऑलमोस्ट हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो दिया हुआ है, प्लस पीवाईक्यूज का भी लिंक आपको मिल जाएगा। एंड बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने काफी ये ईयर स्टार्ट हुआ था तब से मैंने बना के आपको दे दी गई थी, ताकि आपको इजी हो जाए। अगर कोई चैप्टर आपको नहीं भी पूरी तरीके से आता है तो एटलीस्ट आप वो क्वेश्चंस भी सीख लेंगे, तब भी आप चैप्टर में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपके पास कंप्लीट पैकेज दिया हुआ है, तो आप बस अपनी प्रिपरेशन शुरू करते जाइए। अगर नहीं की है तो, अगर कर ली है तो उसको थोड़ा स्पीड अप करते जाइए। नाउ आज जो हम करने वाले हैं वो पेपर 4 का सेक्शन सी, जो हमें पता है कि 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है एक, और एसएसटी का है। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और थोड़ा आप लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो थोड़ा ऐसे पॉज करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं एंड एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है आपको। वेल कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच, तय दिल से आपको शुक्रिया करती हूँ मैं कि आप समय निकाल के कमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, एक तरीके का सजेशन देते हैं, फीडबैक होता है हमारे लिए। बिकॉज हम फेस टू फेस तो नहीं मिल पाते, इसके लिए आपके कमेंट्स ही हम लोगों को आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें बताता है। तो चलिए अभी और टाइम नहीं वेस्ट करें, अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास, सीधी सी बात है, और हम स्टार्ट करें 38 क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन सी। क्या क्वेश्चन है बेटा? राइट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ आर्किटेक्चर इन गुजरात, ठीक है, या तो फिर गुजरात में क्या क्या आर्किटेक्चर है ना, उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल बताना है। अब स्पेसिफिकली तो हमें ऐसा कुछ भी टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि हिस्ट्री को अगर हम ले लें, ठीक है, तो आर्किटेक्चर है तो जैसे कि स्कल्पचर आर्किटेक्चर वाला जो चैप्टर है, तो उनमें से चीजें उठा उठा के हम इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में ला सकते हैं। ओके, तो क्या क्या है आइए देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहला है यहाँ पर शस्त्रलिंगा। अब बेटा इस क्वेश्चन में ना आपको पूरा लर्न ही करना है, नाम ही लर्न करना है, और कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि आर्किटेक्चर गुजरात में कौन कौन से हैं वो बताइए, तो सीधी सी बात है हमें थोड़ा बहुत उसका एडिशन स्टेटमेंट देना होगा और आपको नाम लर्न करने होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा टीडियस है, ताकि कुछ लाइक नाम लर्न करने में, तो देखते जाइएगा। शस्त्रलिंगा लेक, स्टेप वेल ऑफ क्वीन मतलब कि रानी नी वाव, एंड रुद्र महाल या टेम्पल ऑफ सिद्धपुर, ठीक है, आर्किटेक्चर के नजरिए में जो पाटन में है ये, ठीक है, नजरिए में देखना बहुत ज्यादा है, मतलब कि जिनको पुराने इतिहास जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है तो वो इस तरीके के गुजरात के जगह पे जा सकते हैं। अहमदाबाद की बात करते हैं हम लोग, अहमदाबाद हैज अ रिच एशियंट हेरिटेज कंसिस्टिंग ऑफ, क्या क्या है हमारे अहमदाबाद में? बादरा फोर्ट, जामा मस्जिद, ओके, क्वीन ऑफ सॉरी मॉस्क ऑफ क्वीन सिपरी, रोजा ऑफ सरखेज, कांकरिया लेक, शेकिंग मीनार मतलब झूलता मीनार, ठीक है, सिद्धि सैयद जाली, मॉस्क ऑफ द क्वीन रूपमती एक्सेट्रा, ओके, ये सब चीजें हैं। डोलावरा की बात करते हैं तो डोलावरा इज ऑल्सो वेरी मच फेमस फॉर द टाउन प्लानिंग। अच्छा, थोड़ी सी एडिशनल चीज बता दूं, जैसे अभी की जो सरकार है वो ये कोशिश कर रही है कि डोलावरा में, ठीक है, एयरपोर्ट्स वगैरह बनाए, और जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल जो एंटिटीज आते रहते हैं, जैसे अभी अरब के जो आए थे, दुबई के जो आए थे प्रेसिडेंट, उनको डायरेक्टली वहां पे शिफ्ट करके और उनका स्वागत किया जाए और सीधा एयरपोर्ट वहीं पे लैंड करे ना। जस्ट मैं नॉलेज बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि देखो डोलावीरा पहले से ही, ओके, इसके पीछे बताएंगे रीजन बता रही हूँ। डोलावीरा जो है वो पहले से, अगर हम देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का दौर था ना, उस दौरान ही उनकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, जबरदस्त थी, तो इसके लिए वहां पे उस चीज को फिर से देखा जाए तो रिनोवेशन करने की बात चल रही है। वेल दूसरा बात कहते हैं लोथल। लोथल इज अ रिच आर्किटेक्चुरल साइट डिपिक्टेड द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी उस टाइम के था। ओके, फेमस बिल्डिंग्स ऑफ चंपानेर, चंपानेर के अंदर आता है मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ओके, हिस्टोरिकल फोर्ट्स आते हैं, किले आ जाते हैं ना, द फोर्ट ऑफ द वर्णनगर, शर्मिस्ता लेक, आर्कीस आर द मॉन्यूमेंट्स वर्थ सीइंग। आर्कीस जो है वो किस तरीके से, दे आर इरेक्टेड ऑन द टू इरेक्टेड क्रिएटेड ऑन द टू इरेक्टेड पिलर्स, ठीक है, दो पिलर्स हैं, एंड क्रिएटिंग अ बो शेप, बो लाइक शेप, ठीक है, तो बो लाइक शेप इस तरीके से उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, तो पूरा ये देखने जैसा है। अब खुद देखो ना क्या नाम है, आर्कीस या आर्क्स, ठीक है, तो जैसे आपने देखा होता है कि कृष्ण भगवान या राम जी,
ठीक है, तो वो इस तरीके से तीर चलाते, तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है ना उस तरीके से ये है। श्यामलाजी टेम्पल जो मेश्वर रिवर के वहां पर है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा ही, तो खैर वहां पे तो लोग लिटरली दर्शन करने जाते हैं, इट्स अ पिलग्रिमेज प्लेस। देयर आर ऑल्सो मैनी स्टुपास एंड विहारास बिल्ट इन गुजरात ड्यूरिंग द कश्यप, ओके सॉरी कष्टप पीरियड। द रिमेन्स ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूपास कैन बी फाउंड फ्रॉम द बोरदेवी ऑफ द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, बुद्धिस्ट ठीक है, बुद्धा के जो स्तूपास थे कहाँ कहाँ से मिले हैं, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, देवनी मोरी जो शामराजी में है, इंतवा स्तूपा गिरनार एंड जो नियर जूनागढ़ में है। गुजरात ऑल्सो बूस्ट ऑफ मैनी अदर आर्किटेक्चर सच एस देवीनी मोरी, ओके भव्य प्यारा, ये भव्य प्यारा केव है, ओके ऊपरकोट खापरा कोडिया खाम्बलिया तलाजा सनक धनक झिंझू सॉरी झिंझुरी झर केलिया डूंगर, ये सारे केव्स के नाम है ठीक है, तो जो आपके पास पूरे बुक में लिखे होते हैं विद द डिटेल स्ट्रक्चर्स। नाउ अगर हम बात करते हैं जैन टेम्पल्स की, तो जो पुराने पुराने जैन टेम्पल्स है, शत्रुंजय माउंटेन्स एट द पालीताना, जैसे जैन है तो उनका पालीताना जो एक अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं मान्यता है वहाँ के तीर्थ स्थल की जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है, एंड इट इज एक्सट्रीमली आर्टिस्टिक। आफ्टर ऑफ दीज टेम्पल्स, क्योंकि ये जो है ये सारे टेम्पल्स 11 सेंचुरी के आसपास बिल्ड किए गए थे। फिर बात करते हैं हम लोग तरंगा, तरंगा इज अनदर जैन पिलग्रिमेज जो कि तिम्बा विलेज के वहां पर है, खेड़लू मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में है। द टेम्पल ऑफ द तारामती वो भी सिचुएटेड वहां पर है, सोमनाथ टेम्पल जो गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में आता है, द्वारकाधीश टेम्पल जो देवभूमि द्वारका में है। तो ये सारे के सारे बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल हेरिटेजेस हैं, और यही सारे काम जो हैं वो गुजरात के अंदर किए गए हैं, तो गुजरात इज द वर्थ सीन प्लेस। तो एज अ टूरिस्ट अगर हम देखें तो टूरिस्ट लोगों को गुजरात में बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द गुजरात। अगेन आई टोल्ड यू कि ये आपको लर्न करना होगा, वो आपको इसके अंदर नाम लर्न करने होंगे ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से नामों को देख लेना क्या है। बात करते हैं एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्किटेक्चुरल स्टाइल ऑफ द गोपुराम, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ रहा है ठीक है, गोपुराम का स्टाइल बताइए। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गोपुराम जो है इसका मतलब क्या है, गोपुराम मीन्स द एंट्रेंस ऑफ टेम्पल ठीक है, टेम्पल की जो जाने की जो पूरा एंट्रेंस होता है उसको गोपुराम कहते हैं। सेकंड पॉइंट द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स गेन मोमेंटम ड्यू टू द एनकरेजमेंट ऑफ द पांड्या रूलर्स ऑफ द साउथ इंडिया, ये ज्यादातर आपको गोपुराम साउथ इंडिया के टेम्पल्स में दिखेंगे ठीक है, तो पांड्यास थे चोलास जो थे ठीक है, उनकी जो पूरी एम्पायर थी उन लोगों ने इस तरीके कंस्ट्रक्शन किया, और पांड्या रूलर्स के दौरान तो ये हर मंदिर में आपको देखने को मिल जाता था। दे बिल्ट, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दे बिल्ट हाई आउटर वॉल्स ठीक है, बाहर की तरफ बहुत बड़े बड़े वॉल्स, और उनके ऊपर बहुत सुंदर सी उनकी कलाकृति थी ना, कलर्स वगैरह बहुत अच्छे से होते हैं, एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेट्स आउटसाइड द टेम्पल। फोर्थ पॉइंट द गेट्स ऑफ दिस टेम्पल आर नोन एज अ गोपुराम ठीक है, तो यही गेट्स को हम गोपुराम कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट द आर्टिस्टिक ग्लोरी ऑफ द गोपुरम हैज बिकम मोर पॉपुलर देन इट्स टेम्पल ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए ना तो इन मंदिरों से ज्यादा तो प्रचलित जो चीज है वो गोपुराम है, मतलब एंट्रेंस है, जैसे कि गोपुराम ऑफ कांची एंड मदुराई ये बहुत ज्यादा एस्थेटिक प्लेजर देता है ठीक है, जब आप दूर से उसको देखते हैं ना। फिर बात करते हैं हम लोग सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो ओडिशा में है, इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं ना आंखों को लुभाने वाला होता है, क्यों, क्योंकि ये पूरा इस तरीके से ना, क्योंकि देखो सन टेम्पल सूर्य सूर्य भगवान, तो आपको पता होगा सूर्य भगवान जो है ना वो 7 घोरों पे उनका जो रथ होता है वो 7 घोरों 7 व्हाइट कलर के घोरे होते हैं, इस तरीके से वो उनका इमेज है, तो उसी ये मतलब मंदिर भी उसी तरीके से ही पूरा बनाया गया है। फिर अपन बात करते हैं बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ द तंजावर, इसमें तो बिल्कुल 13 स्टोरेड गोपुर है, मतलब इतना लंबा गोपुर इतना लंबा गेट है, आप सोचो ना 13 माले ना 13 स्टोरेड। मेटेलिको स्टोन आइडल्स ऑफ दिस एज हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ठीक है, ये तो चलो मंदिर की बात हुई बाहर, अब इसके अंदर जो स्टोन्स जो मूर्तियां लगाई जाती थी वो बेसिकली पत्थरों से पूरी कार्विंग करके या तो फिर मेटल्स को कार्विंग करके, जैसे कि ब्रॉन्ज स्टैचू नटराज का ठीक है ये बेस्ट एग्जाम्पल था उस टाइम पे, चोला टेम्पल्स मैंने कहा चोला डायनेस्टी के दौरान भी टेम्पल्स बनाए गए थे,
तो चोला टेम्पल्स हैव देयर ओन स्प्लेंडर इन द एज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. चोला डायनेस्टी में अपना ही चल रहा था पूरा उनका, कैसे उनको मंदिर बनाने हैं. फिर बात करते हैं मीनाक्षी. ठीक है, मीनाक्षी आपको पता है, मीनाक्षी साउथ इंडिया में मदुराई में सबसे बड़ा टेम्पल है, बहुत नामचीन है. इज वन ऑफ द ह्यूज टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज इन मदुराई. ओके, इट हैज फोर मेन गोपुराम्स. ठीक है, चार गोपुराम्स से मतलब यूं देखा जाए चार उसकी एंट्रेंस आती है. इट इज अ वंडरफुल टेम्पल. इन द मिडिवियल पीरियड खजुराहो वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ द चंदेला रूल ऑफ द बुंदेलखंड. ठीक है, एंड चंदेला रूलर्स जो है उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हुए हैं. द स्टाइल ऑफ द पिनेकल वेरीज फ्रॉम अदर्स. ठीक है, उनकी जो पिनेकल मतलब कि जो ऊपर मंदिर यूं कंबाइन होता है ना, छत होती है ना, तो उसको पिनेकल, तो सबका स्टाइल उनका खजुराहो में मतलब बाकी सबसे जितने हमने पंड्या देखा चोला देखा उनके मुकाबले चंदेला का अलग ही तरीका था उनके मंदिर बनाने का. ओके, खजुराहो टेम्पल्स आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स. अब जैसे मैंने आपको जस्ट इमेज दी हुई है कि आप उसको विजुलाइज कर पाओ. देखो ये एंट्रेंस है ना, तो अभी नॉर्मल अपन गेट देखते हैं, बट ये देखो एंट्रेंस कैसे बनाया हुआ है, कितना ज्यादा विशाल इस तरीके से बनाया हुआ है. ठीक है, फिर अंदर 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 जाओ तो फिर विमाना अगेन वो मूर्ति वगैरह जो अंदर रखी जाती है. ठीक है, तो इस तरीके से गोपुराम साउथ इंडिया क्या कोई मंदिर में देखो ना आप, अभी भी अगर आप वीडियो पॉज करके गूगल पे जाइए और आप ना गोपुराम सर्च कीजिए तो इमेजेस में जाएंगे ना, तो आपको साउथ इंडिया के बहुत प्रचलित मंदिर दिखाए जाएंगे इमेजेस के अंदर, जिनके गेट्स आप देख सकते हैं. ठीक है, तो बहुत ज्यादा विशाल होते हैं, दैट इज गोपुराम. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है ना. वेल, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट. गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द केव्स इन गुजरात. ठीक है, गुजरात में कौन कौन से केव्स है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जूनागढ़ में. ओके, जूनागढ़ में सबसे पहले आता है ग्रुप ऑफ द भव्य प्यारा केव्स. ठीक है, अब मैंने इमेज आपको दिया हुआ है ताकि आप थोड़ा सा विजुअलाइज, आप उसको देखेंगे ना तो एग्जाम के टाइम को याद आएगा कि हाँ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था. तो क्या है यहाँ पे, दे आर इन द थ्री लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स. ठीक है, मतलब कैसे तीन लाइन है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई. ठीक है, समझो कि एक लाइन ऐसी हो गई, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको. तो ये एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे मंदिर बने हुए हैं. टोटल कितनी गुफाएं हैं बेटा इसके अंदर, 16 गुफाएं हैं. आउट ऑफ देम फोर आर इन द फर्स्ट लाइन. ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी है, चार गुफाएं हैं. फिर सेकंड लाइन में कितनी गुफाएं हैं, सेवन. ओके, फिर कितनी गुफाएं हैं, पांच, ऐसे करके थर्ड लाइन. ओके, हमने कहा ना तीन लाइंस जो है वो आपस में एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, और समझो कि ये तीसरी लाइन. ठीक है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है कि 90 डिग्री बना रही है. ठीक है, तो इस तरीके से पहली लाइन में, सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में किस तरीके से केव्स जो है वो कितनी कितनी बनाई गई है. इट इज बिलीव दैट दीज केव्स वर कार्व्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट टू द सेकंड सेंचुरी. ठीक है, इसका मतलब कि एडी की शुरुआत में ही ये बनाई गई है, फर्स्ट सेकंड सेंचुरी, समझ रहे. अभी तो हम लोग कितने, हम कौन सी सेंचुरी में, 22, 23, 21, कमेंट करके बताइएगा हम कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं. और ये बात हो रही है फर्स्ट टू सेकंड सेंचुरी के बीच की. नेक्स्ट, केव्स ऑफ द खापरा एंड केविया. ठीक है, अब यहां पे यहाँ के केव्स जो है ना कैसे हैं, डबल स्टोरेड, मतलब कि दो मंजिला हैं. ओके, ऑन ऑब्जर्विंग द रिमेन्स वन कैन से दैट दे माइट हैव बीन कार्व्ड ड्यूरिंग द सेकंड. अगेन ये सेकंड या फोर्थ सेंचुरी, मतलब यहाँ सेकंड की एंडिंग में होगा, फोर्थ की स्टार्टिंग की सेंचुरी में ये बनाए गए होंगे, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट और उनका मानना है. तो अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पे, अब बेसिकली का इमेजेस इस तरीके से तो पूरा मैं आपको बता नहीं पाई हूँ. तो बेसिकली यहाँ पे ये एक मंजिला है, उसके ऊपर दूसरा मंजिला रहता है, बट दीज आर नाउ रुइंस. ठीक है, तो इसके लिए इतना है नहीं. फिर बात करते हैं हम लोग केव्स ऑफ कुंड. ठीक है, कुंड मतलब क्या होता है, कुंड जिसमें पानी भरा जाता है. ठीक है, तो अब जैसे केव्स ऑफ कुंड की बात, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फ्लोर्स आएंगे. ठीक है, सो दे हैव द फ्लोर्स. देखो ये एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, ऐसे जा रहे हैं ना. ठीक है, तो फ्लोर्स हैं. और ये कहते हैं कि ये शायद थर्ड सेंचुरी में कार्व किया गया होगा. ठीक है, ऐसे 20 पिलर्स जो है वो अभी भी अपने को देखने को मिलते हैं इस तरीके से. ठीक है, अब नीचे देखो, ये नीचे पूरा खड्डा है ना, इसको कुंड कहते हैं ना हम लोग. ठीक है, इसके लिए इसको हम कहते हैं केव्स ऑफ कुंड. नेक्स्ट, ओके, खंबालीरा केव्स. ये केव्स जो है वो 1959 में डिस्कवर हुए थे. दे आर सिचुएटेड इन द खंबालीरा नियर द गोंडल, जो 70 किलोमीटर राजकोट से दूरी पर है.
अब यहाँ पर द केव एट द मिडल, अब बेसिकली तीन इसके आते हैं, ठीक है, तीन केव्स हैं और तीनों मतलब उसके ऊपर कोई डिजाइन की हुई है। देखो अभी अब बेसिकली क्या बोला गया, द केव्स एट द मिडल, ठीक है, जो मिडल में केव्स है ना उसके अंदर चैत्य ग्रह जो है वो विद द स्टुपा ड्रॉ किया हुआ है। अब आप देख सकते होंगे इस तरीके से, आप ना फिगर देखो, देख पा रहे हो बेटा, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा ना कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है ना, मैं मिटा दूं, मतलब कि कुछ ना कुछ इसके अंदर अभी तक अपन ने जितने भी देखे उसमें कोई भी कार्विंग नहीं की हुई थी, ठीक है, नॉर्मल पिलर्स के थ्रू बनाया हुआ था, गुफाएं थी, बस देखो इसके ऊपर बाहर की तरफ कोई ना कोई मूर्ति की डिजाइन है। वी कैन फाइंड द फिगर्स ऑफ बोधिसत्वास एंड द स्टेच्यू ऑफ डिवोटी स्टैंडिंग एंड सपोर्टेड बाय दीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एंट्रेंस। दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ये, ठीक है, दोनों एंट्रेंस के दोनों तरफ जो है वो ऐसे डिवोटीज जो है वो दे आर स्टैंडिंग इन द पोजिशन। द केव्स आर बिलीव टू बी इन द बिल्ट इन द सेकंड एंड द थर्ड सेंचुरी। ओके, सॉरी, नाउ नेक्स्ट, तलाजा केव। ओके, या तलाजा केव, देयर इज अ माउंटेन कॉल्ड द तलाजा माउंटेन नियर द माउथ ऑफ द शेतरंजी रिवर, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब श्री तालाजी तीर्थ या तो फिर तालवजगिरी तीर्थ इज अ फेमस पिलग्रिमेज ऑफ द तालाजी, ठीक है, तालाजा, तो ये बहुत ज्यादा फेमस जगह है। अब इसके अंदर कितनी केव्स बचा थी, 30, ठीक है, 30 केव्स जो स्टोन्स में बनाई हुई है। द केव्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द ह्यूज गेट, आप देखो आपके सामने फिगर मैंने इसके दिया हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा सा गेट है यहाँ पर, मंडप मतलब कि सभाखंड एंड चैत्य ग्रह, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है स्कल्पचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखो तो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी ये माना जा रहा है कि 3rd सेंचुरी में बनाया गया है। ओके, दिख रहा है बेटा, पूरे स्टोन में इस तरीके से कार्विंग करके बनाया है, सोचो उस टाइम के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है देखा जाए तो ना। अब बात करते हैं हम लोग सना के या साना के, दिस ग्रुप ऑफ केव सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द साना हिल, ठीक है, जो वेंकिया विलेज उन्ना उन्ना तालुका में है, जो गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में आता है, टोटल 32 केव्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे धनक केव्स, ठीक है, धनक केव्स इसी के अंदर ही है, धनक गिरी, ठीक है, जो धनक विलेज उपलेता तालुका में है, राजकोट में। इट इज बिलीव दैट दीज केव्स माइट हैव बीन बिल्ट इन द बिगनिंग ऑफ द 4th सेंचुरी। ओके, दिस इज द धनक, ओके, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ नंबर हो गया बेटा, धनक धन सॉरी धन केव्स, ये हो जाएगा आपका 6th नंबर। ओके, 6th नंबर क्या है, झिंझुरी झार। अब ये भी लाइक इन द वेस्ट ऑफ द धंक अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम द सिद्धसर द विलेज ऑफ द झिंझुरी झार। अब बेसिकली यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट केव्स नजर आएंगे इन दिस वैली एंड इज कंसीडर्ड अगेन टू बी इन द सेकंड, तो देखो जो सेकंड थर्ड फोर्थ ये 3 ही सेंचुरीज के आसपास जो है वो बात की जा रही है। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट केव्स एट द केलिया धुंगर। अब यहाँ पे 3 केव्स हैं इन द केलिया धुंगर एट द झंगाड़िया तालुका बरूच डिस्ट्रिक्ट में है। ये माना जाता है दीज आर द बेस्ट ओल्ड आर्किटेक्चर स्पेसिमेन ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, जो बुद्धा को फॉलो करते थे और जो बुद्धिस्ट रिलीजन के तौर पे इसको बनाया गया था। आर्किटेक्चर ऑफ दिस केव्स आर मार्वेलियस एंड द केव्स कंटेन 11 फीट हाई पिलर इन द फॉर्म ऑफ द स्टेच्यू ऑफ लायन, ठीक है, लायन के स्टेच्यू के फॉर्म में एक बहुत बड़ा पिलर है जो 11 फीट जितना लंबा है। द लायन स्टेच्यू हैज 2 बॉडीज एंड 1 माउथ, ठीक है, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है। द पिलर हैज बीन कट फ्रॉम अ सिंगल रॉक, ठीक है, एक ही पत्थर में से पिलर पूरा बनाया गया है। पहले आप ये भी देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक ही पत्थर है, ठीक है, और इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। डन बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, राइट अबाउट द जैन टेम्पल्स एट द दिलवारा, ठीक है, दिलवारा का आपने को थोड़ा बताना है। अब दिलवारा टेम्पल जो है जैन लोगों का है, वो माउंट आबू में है, रनकपुर राजस्थान। ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है फॉर द कंस्ट्रक्शन, स्टोन कार्विंग, आर्टिस्टिक स्किल्स के तौर पे देखो या स्कल्पचर के तौर पे देखो आप। विमल वसाही एंड लूना वसाही टेम्पल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे उस टाइम के मिनिस्टर्स जो थे उनके अंडर, विमल शाह एंड द वस्तुपल रेस्पेक्टिवली। अब रेस्पेक्टिव इसका मतलब कि विमल वसाही जो है वो विमल शाह ने कंस्ट्रक्ट किया था और लूना वसाही जो है वो वास्तुपल ने किया था। अब एक्चुअली ये कहा जाता है कि वास्तुपल ने पूरी डिजाइन बनाई थी और कंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया था विमल शाह ने, ठीक है, वेल
ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। दीज टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड विद द व्हाइट मार्बल्स, ठीक है, व्हाइट मार्बल से कंस्ट्रक्ट किया गया है। इंडिया के अंदर फेमस तो है ही है नो डाउट, बट पूरे दुनिया भर में भी इनका जो आर्टिस्टिक वर्क है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ये जो टेम्पल्स हैं ये एक तरीके का देखा जाए तो जैनी रिलीजियस के लिए एक गिफ्ट माना जाता है, ठीक है। जैनी के एक तो जैसे अपन ने बोला आगे कौन सा था, ठीक है, एक इनका ये दिलवारा रहता है, एक देवसर रहता है, ठीक है, और पालीताना, ये तीन चार जगह हैं जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है, ये उनकी बहुत ज़्यादा पिलग्रिमेज जगह होती है। उनका ऐसा होता है कि हम इन जगह पे तो वो जाते ही हैं कुछ भी हो जाए। ओके, जैन टेम्पल्स आर वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर देयर आर्ट ऑफ द स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर, ठीक है। मैंने जैसे आपको इमेज दी तो आप देख सकते हैं कि कितना विशाल टेम्पल है ये। ओके, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वल्लभी यूनिवर्सिटी, ठीक है। वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में हमें कुछ बातें बतानी है, चलिए बता देते हैं हम लोग। एशियन सिटी वल्लभी के अंदर, ठीक है, विच इज अभी जो है वो वल्लभीपुर के नाम से लोकेटेड मशहूर है भावनगर गुजरात में। वल्लभी वॉज अ फेमस सेंटर फॉर एजुकेशन इन द 7th सेंचुरी। ओके, जो रूलर्स थे वंश डायनेस्टी के वहाँ के लोग, वहाँ के रूलर्स लोगों ने मिलकर जो है वो वल्लभी को बहुत ज़्यादा एक प्रचलित सेंटर बना दिया एजुकेशन के परस्पेक्टिव में। इट वॉज अ वर्ल्ड रिनोड यूनिवर्सिटी, ठीक है, प्रीचिंग नॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ये दो चीज चलती थी यहाँ पर। वल्लभी वॉज अ सेंटर ऑफ द हिनान्या कल्ट ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, कल्ट मतलब जाति है ना, तो बुद्धिस्ट रिलीजन के टाइम पे हिनान्या कल्ट एक जाति थी, तो बेसिकली वल्लभी में वही लोग ज्यादातर रहते थे। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जैसे कि स्थिरमती, ओके, गुणमती, ये जो थे वो बहुत ज्यादा रिनोट थे, बहुत ज्यादा जाने माने लोग थे उन उस टाइम पे, एंड दे वर द लीडिंग प्रिंसिपल ऑफ वल्लभी यूनिवर्सिटी इन द मिडल ऑफ द 7th सेंचुरी। तो देखा जाए तो वल्लभी यूनिवर्सिटी यही लोग चलाते थे। द ब्राह्मण स्टूडेंट्स जो बहुत दूर दूर से आते थे, ठीक है, फ्रॉम द डिस्टेंट एरियाज ऑफ द प्लेन ऑफ गंगा यमुना, वो यहाँ पे आते थे फॉर द हायर स्टडीज। चाइनीज ट्रैवलर ई शेंग, ओके, उन्होंने ये देखा कि वल्लभी कम्पीटेड विद द फेमस एजुकेशन सेंटर नालंदा, ठीक है, नालंदा से कम्पीट कर रहा है, इतना फेमस हो चुका था ये। वल्लभी वॉज ऑल्सो कैपिटल एंड द इंटरनेशनल पोर्ट फ्रॉम 480 AD टू 775 AD, ठीक है, ये पूरा एक इंटरनेशनल पोर्ट भी था, मतलब कि आपको पता है पोर्ट का मतलब क्या होता है, नदी का किनारा जहाँ पे ट्रेडिंग के लिए बंदरगाह जिसको हम कहते हैं ना, चीजें आती जाती रहती है। द रूलर्स ऑफ वल्लभी बिलोंग टू द मैत्रक डायनेस्टी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो दीज रूलर्स वर नॉट बुद्धिस्ट, अभी रूलर्स बुद्धिस्ट नहीं थे, ठीक है, फिर भी इन लोगों ने वल्लभी यूनिवर्सिटी को बनाने में मदद की थी। 775 AD के दौरान अरब ने, ठीक है, अटैक किया था मैत्राक्स में और उनको हरा दिया था, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी जो है वो बंद हो गई थी। द यूनिवर्सिटी हैड अ ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग नेम्स ऑफ फेमस स्कॉलर्स ऑन द यूनिवर्सिटी गेट, ठीक है, जिसको हम आज की तारीख में हम बोलते हैं वॉल ऑफ फेम, बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो उस टाइम पे भी वॉल ऑफ फेम थे जहाँ पे स्कॉलर्स के नाम छिदवाए जाते थे दीवारों के ऊपर। स्कॉलर्स पासिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी यूज टू डिस्प्ले देयर इंटेलिजेंस एंड स्किल्स टू द किंग्स एंड अर्न हायर रैंक्स इन द कोर्ट। अब उस टाइम पे तो राजा का ही चलता था, ठीक है, तो जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग निकलते थे तो अभी राजा है ना, तो उसको भी तो मंत्री चाहिए होते हैं, मुनि लोग चाहिए होते हैं, ठीक है, तो जो यहाँ से पढ़ के निकलते थे वो राजा की जगह पे काम करते थे, मतलब बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, सीधी सी बात है। ओके, नॉलेज वर्शिप स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये इस यूनिवर्सिटी में इतना फेमस हो चुका था कि इंडिया और अब्रॉड के अंदर भी, मतलब कि इंडिया के लोग तो आते ही थे बट अब्रॉड के लोग भी यहाँ पे स्टडी करने आते थे, एंड इट वॉज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन द रियल सेंस। कहाँ आज के टाइम में हम लोग बाहर जाते हैं ना, कनाडा, यूएसए, लंदन पढ़ाई करने के लिए, कहाँ एक समय था जो वहाँ के लोग यहाँ पे आते थे स्टडी करने के लिए, तो सोचो हमारा भारत देश जो था वो कितना हम लोग कहें कि नॉलेजेबल था, ठीक है, कितना ज्ञानी था उस टाइम पे। ऑलमोस्ट हर ब्रांच यहाँ पे स्टडी करवाई जाती थी। द एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी वर टेकन केयर थ्रू द चैरिटी ऑब्टेंड फ्रॉम द किंग्स एंड द लैंडलॉर्ड्स, बोलो, ठीक है, तो जो भी खर्चा होता था ना यूनिवर्सिटी का वो कौन भरता था, एज अ चैरिटी, राजा और जैसे बड़े बड़े वहाँ के मंत्री होंगे, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स होंगे, वो चैरिटी के तौर पे यूनिवर्सिटी को चलाते थे। तो ये खूबसूरती थी हमारे इंडिया की और हमारे इंडिया के उस टाइम के एजुकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमें बताइए, ठीक है, बता देते हैं हम लोग। अब अगेन ये भी अच्छा, सबसे पुरानी नालंदा है, फिर तक्षशिला आई ना तो कंपेरिजन नालंदा के साथ होने लगा था, ठीक है। तो द एशियन नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड एट द भदगांव विलेज ऑफ द पाटन डिस्ट्रिक्ट बिहार में। द यूनिवर्सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 7 ह्यूज हॉल्स, और आप रूम भी बोल सकते हो, सेक्शन भी बोल सकते हो। टोटल वहाँ पे 300 रूम्स थे जहाँ पे लेक्चर्स डिलीवर किए जाते थे। स्पेशल मोनेस्टरीज वर बिल्ट सो द स्टूडेंट्स कुड स्टे इन द यूनिवर्सिटी। जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटीज में अपन क्या बोलते हैं, रेसिडेंटल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, तो अभी बस वही चीज बोल रहे हैं ये लोग भी। मैनी विलेजेस वर डोनेटेड टू द यूनिवर्सिटी सो दैट इट कुड सर्वाइव, ठीक है। बहुत लोग जो पैसे वाले होते हैं, और उस टाइम तो बेटा ऐसा होता था ना कि किसी को ऐसे पैसे में यूं मोह नहीं होता था, जैसे अभी के लोग हैं ना, आप किसी से अट्ठनी भी नहीं ले पाओ, ठीक है, तो बात वह रहती है। तो पहले के लोग बहुत दिलदार होते थे कि अगर हम चैरिटी दे रहे हैं और इस चैरिटी से कुछ बच्चों का भला हो और कुछ बच्चे पढ़ के आगे एक स्कॉलर बने तो क्यों ना हम ऐसे कर। तो इस तरीके से वो चैरिटी किए जाते थे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिल पाए। वट एवर द यूनिवर्सिटी अर्न फ्रॉम द डोनेशन ऑफ दिस विलेजेस इट यूज टू स्पेंड इट फॉर द फ्री फूड क्लोथिंग फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो यूनिवर्सिटी भी वैसा का वैसा ईमानदारी से काम कर रही है। ओके, द एरिया वेयर द बुक्स वर केप्ट नोन एज द धर्मगंज, ठीक है, जहां पे किताबें रखी जाती थी, अभी हम लाइब्रेरी बोलते हैं, उस टाइम पे इसको धर्मगंज रखा नाम था। 5th to 11th century BC तक नालंदा जो था वो बहुत ज्यादा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी माना जाता था, एंड नालंदा ने बुद्धिज्म जैनिज्म इनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है, इन सब रिलीजियस की टीचिंग्स भी वहां पे होती थी। महावीर स्वामी हैड परफॉर्म 14 चतुर्मास इन द नालंदा। महावीर स्वामी आपको पता है जैन के स्वामी थे। ओके, हेंस दिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकम द इम्पोर्टेंस पिलग्रिमेज सेंटर फॉर द जैन्स, ठीक है, इसके लिए जैन यहाँ पर भी जाते थे। इन द 5th century कुमार गुप्ता बिल्ट अ मोनेस्ट्री हेयर सिंस देन, ठीक है, उसके बाद तो नालंदा यूनिवर्सिटी का बहुत नाम हो गया, बहुत ज्यादा। द यूनिवर्सिटी हैड अ कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रीशियस मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब आपको पता है हाथ से लिखी हुई चीजें, ठीक है, उस टाइम पे जैसे समझो कि आज की कोई घटना हो, ठीक है, और समझो कि अभी वाइब्रेंट गुजरात हुआ था, है ना, तो अगर वो बंदे कोई तो होगा जो भी वहां पे घटनाएं होती है ना, ठीक है, वो लिटरली वहां पे बैठ के हाथ से लिखते हैं ताकि ये एविडेंस जो है वो सालों साल, ठीक है, लोगों के काम आ जाए फॉर द स्टडी फॉर द नॉलेज, तो इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं हम लोग। तो न जाने कितने मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो उसके अंदर कलेक्शन था, जैसे भी हम लोग कहें, ठीक है, श्रीलंका का हो, रामायण का हो, महाभारत का हो, बहुत सारी चीजें। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन में तो बेस्ट थी बट बुक्स के फॉर्म में भी ज्यादा बेस्ट थी। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, तकरीबन ये कहते थे कि 90 लैक्स उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे 90 लाख जितनी किताबें इनकी लाइब्रेरी में रहती थी, सोचो, और हर एक ब्रांच की किताब आपको वहां पे मिल जाती थी, इतना ज्यादा नॉलेज इकट्ठा किया था इन लोगों ने। सच वॉज द ग्लोरी ऑफ नालंदा दैट इट्स स्टूडेंट्स वर कंसिडर्ड द आइडल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब एक बार अगर नालंदा से पढ़ के निकल गए ना, ठीक है, तो जैसे अभी कैसे IIT से पढ़ लो, IIM से पढ़ लो, मतलब आपके आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, तो उस टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी का ऐसा बोलबाला था। नालंदा वॉज अ पायस प्लेस ऑफ द इंडियन कल्चर, स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज अ वर्ल्ड, ठीक है, वो यहाँ पे आते थे फॉर द रिसर्च फॉर द स्टडी। द ग्रेट ट्रेवलर ह्वेन त्सांग केम फ्रॉम चाइना टू स्टडी नालंदा इन द 7th century, सोचो, व्हाइल रिटर्निंग ही टुक, ओके, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने 657 किताबें नालंदा से लेके गए थे वो लोग। टुडे द ग्रेट यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ओनली इन रुइंस, ठीक है, अभी तो सिर्फ उसके मलबे ही हैं और तो कुछ है ही नहीं। ओके, बट ये जो मैंने आपको इमेज दी है इट्स एन आर्टिस्टिक इमेज, ठीक है, क्योंकि मलबे देती तो आपको केस हो इसमें डिफरेंस समझ में नहीं आता, तो एक जो मलबे है ना उसके ध्यान में रखकर एक ग्राफिक डिजाइन बनाई गई, और इस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी दिखती होगी ये अजम्पशन था, तो इसके मैंने आपको वाला दिया हुआ, सोचो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 मैम, आई होप आई एंजॉय कर रहे हैं ना स्टडी, ओके, और समझ में आ रहा होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊं ताकि आपको जल्दी जल्दी लर्न भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि एल्यूवियल सॉइल का मतलब क्या होता है। देखिए एल्यूवियल सॉइल फॉर्म ड्यू टू द एल्यूवियम, दैट मीन्स कि रिवर्स डिपॉजिट अलॉन्ग देयर बैंक्स, ठीक है, तो जब नदियां बहती हैं ना, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीजें, जब आई नदी ना, पानी आया,
उसके बाद जब वो जाती है तो कुछ ना कुछ चीजें छोड़ के जाती है, ठीक है। इन सब चीजों का मिक्सचर जो है वो जब मिट्टी में इकट्ठा हो जाता है तो उसको वो उस टाइम पे वो जो छोड़ के जाती है वो एल्वियोलियम, ठीक है, तो दैट इज एल्वियल सॉइल। आगे बात करते हैं, अभी सॉइल में क्या क्या होता है। इस सॉइल में होता है पोटाश, केमिकल्स के नाम है, नेचुरल केमिकल्स, ठीक है, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइमस्टोन, ये बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में पाया जाएगा, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस कम प्रोपोर्शन में। अब ह्यूमस मतलब क्या होता है, ह्यूमस मतलब कि थोड़ा बहुत गीलापन, गीला इन द सेंस कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं ना, जैसे अर्थ फॉर्म होता है, ठीक है, तो मिट्टी में ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, तो इस तरीके से मिट्टी के अंदर वो थोड़ी सी ह्यूमस क्रिएट करता है, ये है, बट कम है, ज्यादा नहीं है। अबाउट 43% एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद द एलुवियल सॉइल। ये सॉइल जो है आपको एक तो नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाएगी, ठीक है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है इन द ईस्ट, कहां तक, सतलुज तक, जो वेस्ट, ठीक है, तो ईस्ट, सॉरी हाँ, ठीक है, ये ईस्ट से लेकर वेस्ट का पूरा जो है वो रहेगा, यहां तक कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जहां से बहती है, वो वाले एरियाज पे भी आपको यही मिट्टी देखने को मिलेगी। द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द एलुवियल सॉइल कैन बी स्टेबलाइज्ड इफ द क्रॉप्स ऑफ द पल्सेस कैन ग्रो। अपन ने ऊपर क्या बोला, अपन ने बोला ना कि नाइट्रोजन इतना ज्यादा नहीं होता है तो उसको स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप ना दालें, जो दाल की पोक होती है ना, अगर वो कर लेना तो पल्सेस उसको वहां से मिल जाएंगे, मतलब पल्सेस के तौर पर उनको नाइट्रोजन की क्वांटिटी अपन मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वीट, पैडी, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ये सारी की सारी चीजें इस सॉइल के अंदर ग्रो की जाती है। मैंने इमेज दिया हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा, आपको कलर, आप स्ट्रक्चर देख सकते, गड्ढे गड्ढे बने हुए ना, ऐसे गड्ढे गड्ढे बने हुए ना, ठीक है, तो ऐसे एलुवियल सॉइल, मतलब छोटी छोटी नहीं है, ठीक है, ऐसे गड्ढे बने हुए, तो ये इस तरीके एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा यूज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा में आता है, राइट नोट्स ऑन द ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। अब ब्लैक सॉइल को अपन रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये माना जाता है कि जब लावा, भूकंप आया, और भूकंप कह रही हूँ मैं, वॉल्केनो आया, ठीक है, वॉल्केनो से लावा फैला, जब ये लावा सूख जाता है ना, सॉलिडिफाई हो जाता है ओवर द लार्ज एरिया ड्यू टू द वॉल्केनिक डिस्ट्रप्शन, ठीक है, जैसे कि आपको कहाँ मिलेगा, डिकेन प्लेटू में आपको ये ज्यादा मिलेगा, जो हजारों साल पहले जब लावा आया था तब वो सूख गया था, तो जब सूख गया था तो वो रॉक्स के फॉर्म में आ गया था, ठीक है, फिर रॉक्स टूटते गए तो मिट्टी के फॉर्म में चले गए। क्लाइमेट ने इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले किया, सीधी सी बात है, क्योंकि रॉक्स को तोड़ना कोई आपके और मेरे बस की तो बात है नहीं, ठीक है, ये जो है वो क्लाइमेट के तौर पे सन, वाटर, विंड, यही सब का काम होता है। ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है, इसके अंदर मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी ज्यादा है, एलुवियल सॉइल में नहीं था, ह्यूमस था ना, ह्यूमस कण था उसके अंदर, ठीक है, इसमें मॉइस्चर अच्छे से रिटेन कर सकता है वो, और अगर ये मॉइस्चर ड्राई हो जाता है, मतलब पूरी मिट्टी जब सूख जाती है, द सॉइल डेवलप्स द फिसर्स एंड देन क्रैक्स, ठीक है, मतलब कि फिर से सूख जाना, फिर वो नीचे वो ना लाइने लाइने, कभी आपने वो बंजर जमीन देखी है, कैसे यूं लाइने पड़ जाती है, ठीक है, उसको क्रैक्स कहते हैं अपन। ब्लैक सॉइल जो है वो अपने इंडिया का 15% एरिया कवर करता है, आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का वेस्ट पोर्शन, आंध्र प्रदेश और कुछ एरियाज कर्नाटक के, डेकन प्लेटू बोल रहा है ना बेटा, तो डेकन प्लेटू तो यही सब आता है ना, तो आपको जो इंडिया का मैप होता है इसमें जहां पे यूं ट्रायंगल शेप में दिख जाता है ना, ठीक है, इसको डेकन प्लेटू कहते हैं, ठीक है, तो डेकन प्लेटू में आपको ये सब चीजें ही, तो जो जो स्टेट्स आते हैं उनके नाम लिख दो। इन गुजरात, गुजरात के अंदर सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट में आपको पाया जाएगा। ब्लैक सॉइल के अंदर आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं। कॉटन, लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबेको, उरद, ये सारे के सारे इस क्रॉप में, इस सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। इट इज अ वेरी सूटेबल फॉर द कॉटन, ठीक है, कॉटन के लिए अच्छी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इसके लिए इसको अपन कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। आपके सामने फिगर है, इमेज है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मिट्टी काली काली है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, सॉलिटरी रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यूनिवर्सल रिसोर्सेज, ठीक है। अब टर्म जैसे कि सर ओपन ही हो गया, सॉरी, जैसे थर्ड में यूनिवर्सल है ना, मैंने फर्स्ट में लिख दिया था भूल से, तो थोड़ा देख लेना, ठीक है, तो यूनिवर्सल रिसोर्स, मैं इसको थर्ड नंबर डालू, ये थर्ड हो गया ये, और ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, फिर आप बोलोगे मैम ने गलत आंसर लिख दिया ना। यूनिवर्सल रिसोर्स, ठीक है, आपको कहाँ पाया जाएगा ये यूनिवर्सल रिसोर्स, यूनिवर्सल हो जाएगी हर जगह पाया जाता है। अब हर जगह कौन सी चीज पाई जाती है, गैसेस, हवा, हर जगह पाई जाती है, ठीक है, तो वो आ गया जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब कि वो रिसोर्स, ठीक है, जो या तो एक बंदा या तो उसकी फैमिली पूरी की पूरी उसकी ऑनर होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, आपका घर आपके पापा ने खरीदा है, ठीक है, तो उसके ऑनर आपके पापा हैं, मम्मी हैं, आप हैं,
मैं तो नहीं होती ना आपके घर में, सीधी सी बात है, ठीक है, आपका इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। ओके, फिर हम बात करते हैं सॉलिटरी रिसोर्स। सॉलिटरी इसका मतलब कि सॉलिट का मतलब होता है एक ही जगह पे पाया जाने वाला रेयर स्पीशीज, ठीक है। तो मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट वन और टू प्लेसेस इन द वर्ल्ड, जैसे कि कैरियोलाइट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में ही पाया जाएगा और कहीं पे नहीं पाया जाएगा, तो दैट इज अ सॉलिटरी, ठीक है। ओके, क्लियर ना, कुछ और तो है नहीं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी बताइए, एक बार मीनिंग समझ ले क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आइए देखते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। सस्टेन होना, सस्टेन होना मतलब ठहराव होना, इसका मतलब क्या है कि आप प्रगति करो ना, आपको जितनी प्रगति करनी है प्रगति करो, ठीक है, पर आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आने वाली जनरेशन है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, दैट इज कंसिडर्ड एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आया समझ में, ठीक है। अभी हम लोग कहेंगे कि हमें एसी के बगैर नहीं चलता है, हमें पूरा दिन लाइट चाहिए, हमें ये चाहिए, हाँ जियो कोई बात नहीं, बट लाइट और जैसे आपको लाइट चाहिए घर में एसी फैन ये सब चलाने के लिए, तो एक काम करो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए कोई अल्टरनेट ढूंढो। तो जैसे हम लोगों ने ढूंढ लिया भाई सोलर पैनल से लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, हाइड्रो लाइट स्टार्ट कर ली हम लोगों ने, दिस इज कंसिडर सस्टेनेबल कि पानी खत्म नहीं होगा, सनलाइट भी खत्म नहीं होगी, तो फ्यूचर जनरेशन को भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिलेगी, ठीक है। इतिहास के पन्नों में उनको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि एक जमाना था हमारे बाबा लोग जो है, ठीक है, दादा दादी नाना नानी जो है वो एसी में बैठ के चिल मारते थे, उनको ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उस टाइम में वो चीज कर रहे होंगे। आई बस समझ, दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो अभी क्या क्या स्टेप्स अपन को लेने हैं इसके अंदर, जैसे कि जितने भी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड फॉरेस्ट वाटर, उसका अच्छे से यूज करो, ठीक है, मना कोई नहीं कर रहा यूज करने के लिए, करो बिंदास करो, बट अच्छे से, वेस्ट नहीं करो। दूसरा, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो खत्म हो जाएंगे, पता ही हम लोग को, बहुत लिमिटेड ऑफर जिनका चल रहा है, ठीक है, कोल मिनरल पेट्रोल प्रोडक्ट्स, उनका भी सोच समझ के यूज करो। अगर आपको घर के बाहर नमक लेने जाना है, मम्मी कह रही कि चल बेटा एक थैली नमक लेके आ, तो आप वहां पे एक्टिवा लेके मत जाओ, या साइकिल ले लो या तो फिर पैदल चले जाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। मिनिमाइजेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, जो भी है वो आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो भी इंडस्ट्रीज हैं या जो भी है, ठीक है, वो आप नजदीक हो, मतलब कोई भी इंडस्ट्रीज बनाए वो नजदीक हो उनके मार्केट एरिया से, ठीक है, ताकि कॉस्ट ज्यादा ना लगे, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे माल सामान को यहाँ वहाँ करेंगे तो उसका कॉस्ट तो निकालेंगे तो हम में सही ना, और उसका तो रिसोर्सेज भी यूज खर्च हो रहा है, ठीक है, तो वो फिर नहीं होना चाहिए। स्ट्राइव टू अचीव द इको फ्रेंडली एनवायरमेंट, ठीक है, कोशिश ये करो कि आप कैसा एनवायरमेंट या डेवलपमेंट कैसा करो इको फ्रेंडली, इको मतलब कि एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। अंडरटेक मल्टीपर्पज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, वी आर इन द सेम नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी यूज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज सच एज इरीगेशन, जनरेशन ऑफ लाइट, वाटर, फ्लड। वो कह रहा है कि भाई ना ऐसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कर लो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जैसे, ठीक है, कि जहां पर उसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं, मतलब उसके अंदर से इरीगेशन का भी काम चल रहा है, दामोदर वैली मतलब कि नदी, ठीक है, तो वहां से इरीगेशन भी हो रहा है, वहां से लाइट भी जनरेट कर रहे हैं, पानी भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, फ्लड को भी कंट्रोल किया जा रहा है, तो दैट इज कंसिडर मल्टीपर्पज। जैसे नर्मदा वाले बना दो, सावती वाले बना दो, तापी बना दो, मतलब जितनी भी वैलीज अगर है ना, अगर बनाई जा सकती है जरूर बनाइए। जुडिशियस यूज ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स एंड चेक ऑन वेस्टेज, ठीक है, चेक करना है कि कुछ खराबी ना हो, मतलब कुछ वेस्ट ना हो, अच्छे से प्लानिंग करो, मैनेजमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉइजनस केमिकल्स, ठीक है, ऐसे ही हवा में प्रदूषित गैस को मत छोड़ दो कि इंसान जानवर मर जाए, ठीक है, पानी में कुछ प्रदूषण मत छोड़ दो, ठीक है, ताकि पानी की क्वालिटी खराब हो जाए तो पीने वाला इंसान जो है उसकी हालत खराब हो जाए, तो ये सब चीजें ध्यान देनी है। तो ये वही कह रहे हैं कि भाई हम आपको नहीं रोक रहे हैं प्रगति करने से, करो बहुत प्रोग्रेस करो, बट ऐसा करो कि जिसका नुकसान ना हमारे कुदरत को ना होना चाहिए, ठीक है, हमारे बर्ड्स को नहीं, उनका उन बिचारों का क्या गलती है कि हम बर्ड्स को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, गंदा सा एटमोसफेयर देके, खराब पानी देकर उनसे उनका घर छीन लें, हम लोग फॉरेस्ट को काट लें, उनकी तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, अगर हमें ग्रो करना है तो हमें ऐसे ग्रो करना है कि किसी और का नुकसान ना हो, तो मिला जुला के इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टेप्स टू प्रिवेंट एमर्जेंस एंड स्प्रेड ऑफ स्लम्स इन द अर्बन एरियाज, ठीक है, अभी कोशिश करनी है कि झुपड़पट्टी ज्यादातर ना बने, क्योंकि झुपड़पट्टी जहाँ बनती है ना वहां पर गंदगी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, फिर वही वाटर बोर्न डिजीजेस हो जाएंगे।
एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज द सोलर एंड द विंड एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू एंजॉयड द सेशन, मजा आया. ओके चलिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, डेवलपमेंट का क्या है? तो देखो, बेसिकली बात तो वही है, मीनिंग तो वही आती है यहाँ पे. ठीक है, कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है प्रेजेंट जनरेशन की विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, उसको अपन कहेंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एडवोकेटेड ड्यू टू द एक्सट्रीम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इकोलॉजी. अब क्या ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात क्यों आई? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इकोलॉजी बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो गया है. ठीक है, फूड चेन अपन ने साइंस में किया ना. ठीक है, फूड चेन, फूड वेब, ये थोड़ी सी डगमगा गई है. तो इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शब्द निर्माण हुआ है और अभी लोग इसी को ही ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं. इफ द प्रेजेंट जनरेशन यूजेस द नेचुरल रिसोर्सेज हायर स्पीड. ठीक है, अगर हम लोग बस बिंदास यूज किए जा रहे हैं हमारे रिसोर्सेज, तो सीधी बात है वो रिसोर्सेज एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं. तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन सम रेस्ट्रेंट्स हैव टू बी सजेस्टेड इन द स्ट्रेटेजी. ठीक है, तो अगर हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए और सोचेंगे, सीधी सी बात है. ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज प्लान करनी पड़ेंगी जो अपन ने आगे पहले से देख ली. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, आप बच्चे बोलेंगे मैम 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपने तो सिर्फ 4 पॉइंट्स बताइए, कैसे लिखेंगे? अब ना अभी गलती पेपर सेटर की है कि उसने ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क पे डाला ही क्यों. ये वाला क्वेश्चन आपके बी सेक्शन में आना चाहिए, 2 मार्क में. इसमें इतना कुछ है ही नहीं. हाँ, अगर आपको ना द पॉइंट इज रेड कि मैम अगर आ जाए तो, अगर बोर्ड में ऐसा आ जाए तो, अगर ऐसा बोर्ड में आ जाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ स्ट्रेटेजीज जो है ना वो लिख डालना, तो आपका आंसर उसके अंदर फ्रूटफुल तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा. टेंशन मत करना. नाउ नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द प्राइस राइज ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, प्राइस राइज का इम्पैक्ट, इफेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कैसे होता है वो मैं बताना है. चलिए बता देते हैं. द अनकंट्रोल्ड प्राइस राइज डिस्क्राइब एज अ हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई. ठीक है, तो उसके बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, कैपिटल होता है कि पैसा. ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करने के दौरान इसके इफेक्ट्स का क्या होते हैं? सबसे पहले, इट लीड्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी एंड डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर, लीडिंग टू रिड्यूस द सेविंग एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट. देखो साफ साफ स्टेटमेंट कह रहा है ये. क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि जब पैसा, जब महंगाई बहुत आ जाती है ना, तो सीधी सी बात है हमारी इनकम तो उतनी की उतनी है, बट चीजें महंगी हो रही है. चीजें महंगी हो रही तो हमें अब ना, हम ना ज्यादा चीजें खरीद नहीं पाएंगे, पैसे नहीं है ना, इतना तो सेविंग भी नहीं जाएगा. ठीक है, इतना हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट में हम खर्चेंगे, होता कि जो पावर परचेजिंग करने वाली जो है, मतलब परचेज करने वाली चीज का क्या डिक्लाइन हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी. तो इस हिसाब से क्या होगा, अगर आप चीजें खरीदोगे नहीं तो मार्केट में पैसा घूमेगा नहीं, मार्केट में पैसा घूमेगा नहीं तो हर जगह पे क्या हो जाएगा, हर एक बंदा अपने पैसे को पकड़ के बैठेगा. ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे मनी की जो वैल्यू है वो बाहर नहीं निकलेगी. मनी की वैल्यू कब निकलती है बाहर? जब वो रोटेट होती है. ठीक है, जितनी रोटेट होती है उतनी ही ज्यादा वो ग्रो करती है. सिंपल बोले लक्ष्मी चंचल होती है. ठीक है, वो यहाँ वहाँ घूमती है, तो ये वही बात है, जितनी घूमेगी उतनी ग्रो करेगी. अब अगर ऐसा हुआ तो सीधी बात सबकी तिजोरियों में चली जाएंगी लक्ष्मी माता. ठीक है, अब उनको पसंद नहीं है. द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल डिस्करेजेस द एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम टेकिंग द रिस्क. देखो साफ साफ आ गया, अब जब कैपिटल ही नहीं रहेगा, ठीक है, महंगाई इतनी है, पैसा इतना जा रहा है, आप खुद समझो. समझो एक आदमी है जिसकी सैलरी 10,000 रुपए है. ठीक है, अब 10,000 में आज से समझो लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर 10,000 में वो सर्वाइव कर रहा था. ठीक है, जिसमें से समझो कि वो 3,000 जितने सेव कर लेता था. ठीक है, अब चीजों के दाम बढ़ गए. ठीक है, सब्जियों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ये बढ़ गया, तो उसका एक्सपेंस जो पहले 7,000 रुपए था, ठीक है, अभी समझो कि 8,500 रुपए हो गया. तो जहां पे वो पहले 3,000 रुपए सेव करता था, अभी वो सेव करेगा 1,500 रुपए. 8,500 बोला ना मैंने, हाँ 1,500 रुपए सेव करेगा, तो सेविंग कम हो गई ना. अब सेविंग कम हो गई तो सीधी सी बात है कैपिटल कम हो जाएगा, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर नई चीज कैसे शुरू करेगा, क्योंकि पता है लोग खरीद ही नहीं रहे. ठीक है, अब 1,500 सेविंग मेरे पास होगा तो मेरे पास हिम्मत थोड़ी होगी मैं कोई चीज आके खरीदूं ना. तो क्या बोला, ठीक है ना भाई, जो भी है घर में उसी से ही काम चलाओ. ठीक है, काम चलाओ वाला काम शुरू हो जाएगा फिर. तो इसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम महंगाई, जो महंगाई आ रही है ना, ठीक है, महंगाई तो वो कम होनी चाहिए.
एज अ वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस प्रोग्रेसिवली, ठीक है, मनी की वैल्यू कम होगी, मैंने कहा ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है अगर वो एक जगह पे पड़ी रहती है तो, द मनीड पीपल चेंज देयर ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चेंज कर लेंगे, दे इन्वेस्ट इन द प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड, रियल एस्टेट, ठीक है, एंड देयर बाय फंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है, वो क्या बोलेंगे भाई, चीज खरीद ही रहे हैं तो फिर मैं कहाँ कहाँ इतनी सारी चीजें बनाऊं, मैं अपनी फैक्ट्री में लोग इकट्ठे करूं, ये करूं, मेहनत करूं, इतना इतना मेरे को प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, तो एक काम कर लेता हूँ ना मैं इन चीजों, मैं अपने पैसों को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर लूँ जहां से मुझे पैसा मिले, तो वो रियल एस्टेट में कर लेगा, ठीक है, गोल्ड सिल्वर ये खरीद लेगा कि भाई इसका दाम आगे जाके तो बढ़ने ही वाला है, तो मैं वहां से पैसे कमा लूंगा, मतलब मार्केट में पैसा नहीं घूम रहा है। ओके, फॉर द वॉन्ट ऑफ कैपिटल न्यू इंडस्ट्रीज आर नॉट स्टार्टेड, ठीक है, नई इंडस्ट्रीज बनेंगी नहीं, जो इंडस्ट्रीज चल रही है शायद वो हॉल्ट पे आ जाएंगी, रुक जाएंगी, तो देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गई ना, ठीक है, लोगों को रोजगार मिलना कम हो गया, द एंटरप्रेन्योर्स डाइवर्ट अवेलेबल कैपिटल टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर प्रॉफिटेबल लग्जरी गुड्स, ठीक है, अभी ये लोग क्या कर लेंगे, देख भाई पैसा तो कमाना है हम लोगों को, वी आर द एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, हम थोड़ी ध्यान करने बैठे हुए, हम कमाने बैठे हुए हैं, हम बिजनेसमैन हैं, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अब देखो पैसा किसके पास है, पैसा है यार अमीरों के पास, तो एक काम करते हैं ना, हम चीजें वो बनाते हैं जो अमीर खरीदे, अब गरीब तो वैसे ही नहीं खरीद पा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास सेविंग ही नहीं है तो कहां से खरीदेगा, तो क्या होगा, जो असेंशियल चीजें हैं, ठीक है, आम आदमी के लिए वो बनेंगी नहीं, खाली बनेंगी लग्जूरियस चीजें जो अमीर लोग खरीदेंगे और एंटरप्रेन्योर्स लोग पैसे कमाएंगे, सो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, आया समझ में, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स मतलब जो असेंशियल चीजें हैं उसकी कमी हो जाएगी, इट डिस्करेजेस द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज सच एज इन्वेस्टमेंट बिकम लेस प्रॉफिटेबल, अब अपनी कंट्री में इतने सारे लोग अपन बैठे हैं फिर भी अगर एक कंपनी लॉस में जा रही हो तो क्या कोई बाहर की कंपनी आके इन्वेस्ट करेगी, कह रहे हैं कि तुम्हारे घर की बात है भाई, तो अपने घर में ही तुम नहीं पैसे कमा पा रहे हो तो मैं कहाँ से इन्वेस्ट करके पैसे कमाऊंगा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी चला जाएगा, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट चला गया तो डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरीके से वी हैव टू कंट्रोल द प्राइस राइज, क्योंकि उसका इफेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ में आया बच्चा अच्छे से ना, ओके, आई होप आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ डिसेंट वे सो दैट यू कैन ग्रैब द थिंग्स इजीली, नाउ नेक्स्ट 45th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल द प्राइस राइज, एलाबोरेट एनीथिंग, ठीक है, तो क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए, तो कोई भी तीन बताने, तो तीन मैंने बता दी आपकी किताब में, पांच है शायद, ठीक है, देख लेना, मैंने ये तीन बताया आपको, फिर किताब के साथ जो देखना हो देख लेना, पहला है मॉनेटरी मेजर्स, ठीक है, मॉनेटरी मेजर्स जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये लेके आया है, इसमें क्या किया उन्होंने, इट इंक्रीजेज अ बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट उन्होंने इंक्रीज कर लिया, बैंक रेट का मतलब क्या है, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज व्हेन इट लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है, अब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कब आता है, जब आरबीआई देता है, ठीक है, जैसे कॉमर्शियल बैंक है, जैसे कि मैं बात करती हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से मांगेगा, तो आरबीआई जो है वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको देगा, अब आरबीआई ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, अब बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा तो आ गया, समझो कि उसके पास कस्टमर आया है, वो कह रहा है कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, वो बोलेगा ठीक है ले लो, बट मैं तुमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा, अब उससे और ज्यादा लेगा, समझो कि 5% आरबीआई ने बोला कि मैं लूंगा, तो बीओबी जो है वो उससे 8-10% के बीच में लेगा, उसको भी तो कमाना है, ठीक है, तो देखो क्या होगा, सुनना अभी ध्यान से, इट इंक्रीजेज द बैंक रेट एज अ कोरोलरी, मतलब कि कॉन्ट्ररी, द कॉमर्शियल बैंक इंक्रीजेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाइल लैंडिंग मनी टू द कस्टमर, ठीक है, कस्टमर को दे रहा है तो उसमें उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट कर्व्स द टेंडेंसी टू बोरो मनी एंड इन्वेस्ट द सेम इन द स्पेक्टिकुलेटिव वेंचर्स, ठीक है, अब ये क्या हो गया, अभी रेट बढ़ गया तो उसकी टेंडेंसी, ठीक है, अब जो कस्टमर है, ठीक है, उसने लिया तो सही, बट वो क्या करेगा, अब वो उसे मनी बोरो किया और बोरो करके वो अपना कोई ना कोई बिजनेस करेगा, ठीक है, अब देखा जाए तो बिजनेस करेगा या तो हो सकता है कि वो पैसा उसने जब लिया तो वो किसी और को इन्वेस्टमेंट के लिए दे दे या किसी और को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दे, तो अगर वो बैंक ऑफ बड़ौदा को दे रहा है एग्जाम्पल पे, बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, लिख के मत आना, देयर आर मेनी बैंक्स, 8% पे, ठीक है, तो हो सकता है वो उसको 10% पे देगा अपने दोस्त वहां से, तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है ना कि देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, अब सुनना बात को, द इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपोजिट्स एनकरेजेस द कंज्यूमर्स टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड्स, ओके, देयर बाय सरप्लस फंड्स टू गो टू द सर्कुलेशन, अब ना यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसमें जो पैसे वाला बंदा है
वो क्या सोचेगा कि यार बैंक इतना ज्यादा पैसा दे रही है, एक काम करता हूँ, मेरे पास जो सरप्लस मतलब कि जो एक्सेस पैसा पड़ा है मेरे तिजोरी में जिससे मुझे कुछ मिल तो नहीं रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं वो बैंक को दे देता हूँ और बैंक मुझे उसके बदले में क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। ठीक है, सो द टेंडेंसी टू मेक अननेसेसरी परचेज इज कर्व्ड, कब मतलब ही चेक। ठीक है, अब कोई भी फालतू चीज खरीदनी नहीं है। ठीक है, अब कोई चीज खरीदेगा नहीं तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी चीजों की, डिमांड कम हो जाएगी। द रिजर्व बैंक विड्रॉज द सरप्लस फ्रॉम द मार्केट बाय सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा था वो छीन, वो मार्केट से निकाल देगा, जो उसने मार्केट में डाला होगा ना, बैंक भी डालती है कमाने के लिए, तो उसने मार्केट से निकाल देना है बाय सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब जैसे ही होगा तो कैश मार्केट में बढ़ जाएगा, ठीक है, कैश रिजर्व राशन एंड रिड्यूसेस अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स विद द कॉमर्शियल बैंक, और इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक के पास जो है वो पैसा कम हो जाएगा। अब कॉमर्शियल बैंक का पैसा कम हो जाएगा तो वो किसी और को पैसा दे नहीं पाएगी, उसके पास उतना नहीं है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ मॉनेटरी मेजर्स। अगर मैं इसको मोटी मोटी तरीके से समझाऊं ना बेटा, तो रिजर्व बैंक क्या करेगी, रिजर्व बैंक जो है वो पहले पैसा डालेगी मार्केट में, समझो एक दो लाइन में समझो। ठीक है, रिजर्व बैंक पैसा तो उसको ही छापना है ना, ठीक है, तो रिजर्व बैंक जो है वो पैसा डालेगी मार्केट में। ठीक है, जब मार्केट में थोड़ा रोटेशन आ जाएगा, ठीक है, जो बैंक्स हैं, ठीक है, वो कमर्शियल बैंक्स जो हैं, ठीक है, वो बैंक जो हैं वो भी मार्केट में पैसा घुमा रही, ये कर रही, तो फिर क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब कि ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज मतलब जैसे शेयर मार्केट के साथ पैसा, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी सेल करके सारा का सारा पैसा खींच लेगी। अब जैसे ही पैसा खींच लेगी तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा रहा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सब लोगों ने जो पैसा मार्केट में घुमाना शुरू किया, तो ऐसे के पैसे क्या हो जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, पैसे क्या हो जाएंगे, कंट्रोल में आ जाते हैं, मतलब मार्केट से पैसा बहुत सारा डाला मार्केट में, घुमाया 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 घुमाया, ठीक है, सीधा पैसा छीन लिया, सीधा पैसा लेके रख दिया अपनी तरफ, लेके रख दिया पैसा, अब मार्केट में पैसा है ही नहीं। ठीक है, मार्केट में पैसा है ही नहीं, तो दैट इज कंसिडर कंट्रोल किया उसने गवर्नमेंट ने, ये उनका तरीका होता है। कॉमर्स लोग हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, अभी तो टेंथ में इतना है नहीं खास। फिर अपन बात करते हैं फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द प्राइस राइज, द गवर्नमेंट रिड्यूसेज द पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, लोगों पे जो खर्चा करना होता है ना वो कम कर लेगी, जो ऐसे कुछ हैवी एक्सपेंडिचर के जो उन्होंने प्लानिंग किया होगा, ठीक है, वो कम कर लेगी। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस, ठीक है, टैक्स बढ़ा देगी और साथ साथ नए टैक्सेस जो है वो लोगों के ऊपर डाल देगी, भाई लो अब भरो तुम टैक्स, बहुत पैसा ना तुम्हारे पास, तो ठीक है, ऐश कर रहे हो तुम, आए दिन जो है वो थिएटर में जा रहे हो, आए दिन जो है फाइव स्टार होटल में खाना खा रहे हो, कपड़े ले रहे हो, बहुत पैसा है ना, तो चलो अभी तुम हमको पैसा दो टैक्स के तौर पे। अब टैक्स आ गया, अब जैसे ही टैक्स आया, ठीक है, क्या हो जाएगी, अब लोगों को तो जखमा के टैक्स तो बढ़नी है, फिर गवर्नमेंट ने बोला है, तो जब लोगों का पैसा टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट के पास जाएगा तो लोगों का पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया तो लोगों की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है ना, पैसा खर्च करने की जो ताकत है, जो कैपेसिटी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, कई बार तो ऐसा होगा, इट बोरोस मनी फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, मार्केट, प्राइवेट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन का भी उनको पैसा लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ब्याज पे पैसा लेना, ठीक है, पैसा ले लेते हैं। दस इट कटर्स एक्सेस परचेज पावर एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड द सर्विसेज, ठीक है, इस तरीके से जो एक्सेस परचेज ना, आए दिन लोग कपड़े खरीदते जा रहे, आए दिन ये खरीदते जा रहे, ये पूरा पूरा लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, लोगों को डंडा पड़ जाएगा, भाई चलो पैसे पे ध्यान रखो, ज्यादा उड़ो मत। फिर आता है कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है ना बेटा, जब पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा आता है और ऐसे लगता है कि यार लोग तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो फिर महंगाई ना उसके बाद ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब महंगाई में जो अमीर है वो तो कर लेगा, बेचारा गरीब जो है वो नहीं कर पाएगा, है ना, नई वाली प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को ऐसे कुछ मेजर स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि लोगों की अकल ठिकाने पे लेके आए, भाई थोड़ा धीरे धीरे हो जाओ। फिर आता है कंट्रोल इन्वेस्टमेंट इज अ डायरेक्ट स्टेप टू क्रप प्राइस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल करना, कैसे, इट एनकरेजेस द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज। ठीक है, वो कह रही है कि ठीक है तुम्हें खेती बाड़ी में इन्वेस्ट करना है, हम आपको मदद करेंगे, तुम्हें वो सारी चीजें बनानी है जो आम लोगों के लिए जरूरी है, हम तुम्हें मदद करेंगे, ओके, हम तुम्हें फूड ग्रेन सप्लाई करेंगे, कंज्यूमर गुड्स हम इंक्रीज कर लेंगे, एट द सेम टाइम इट डिस्करेजेस द स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट। बट अगर ठीक है, जैसे कि लैंड, समझो कि लैंड पे बहुत ज्यादा लोग पैसे खर्च रहे हैं, तो क्या किया, लैंड पे टैक्स भरा दिया। अब यार लैंड इतनी महंगी हो गई, अब कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, महंगी हो गई, अब तो इतनी महंगी है, अब उससे ज्यादा उसको जब बेचने जाओगे तो तुम्हें तो पैसा मिलेगा ही नहीं,
ठीक है, मिलेगा नहीं तो छोड़ो, जाना ही नहीं है। अभी जैसे गोल्ड की बात हो रही है, ठीक है, गोल्ड कितना महंगा होता जा रहा है, तो लोग अभी राइट नाउ अगर मैं बोलूं एज ए नॉलेज, ठीक है, राइट नाउ अगर मैं बोलूं तो दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू बाय द गोल्ड, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा हो गया है और कितना महंगा होगा, और अभी इसका इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफ़ी है। हाँ, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो अभी आप लोग, ठीक है, वो फिर भी एक चलो ढंग के लेवल पे आता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर लो। तो इस तरीके से क्या करें, जहां पे लगता है ना कि लोग ज्यादा भाग रहे हैं, उन चीजों को गवर्नमेंट क्या करेगी, महंगा कर लेगी, ठीक है, ताकि लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट का नजरिया चेंज कर ले और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का काम सफल हो जाता है अगर लोग एग्रीकल्चर और इन सब में इन्वेस्ट करने शुरू हो जाते हैं। तो दीज आर सम टेक्निक्स, ठीक है बेटा। चलिए, ये कौन सा नंबर था, 45, इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन, स्टेट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तीन लेने हैं, पहले तो राइट टू सेफ्टी, ठीक है, राइट टू सेफ्टी इसका मतलब ये है कि इफ द कमोडिटी ऑफ सर्विस इज डेंजर और हार्मफुल टू द हेल्थ, दे हैव द राइट टू लॉज अ कंप्लेंट इफ एनी क्रिएट्स पॉल्यूशन। ठीक है, तो कहीं पे पॉल्यूशन वगैरह होता है तो कंज्यूमर राइट्स के अंडर कंज्यूमर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, इस एरिया में जो इंडस्ट्री है वो इतना ज्यादा पॉल्यूशन कॉज कर रही है जिसकी वजह से हमारी जान को खतरा है, हमें अस्थमा की प्रॉब्लम ये वो हो सकती है, तो एक तो वो हो जाता है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है कंपनीज का रिगार्डिंग द प्योरिटी, क्वालिटी, प्राइस, क्वांटिटी, सब कुछ। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना तो उसमें देखना पीछे इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं, उनमें से आपको कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितना सैचुरेटेड फैट मिलेगा, ठीक है, उसका प्राइस क्या है, उसका उसका लाइफ शेल क्या है, मतलब कितने, एक महीना चलेगा, एक साल चलेगा, छः महीने, तीन दिन, ठीक है, जो भी अपन चीज़ खरीदते हैं तो वो हर एक चीज़ जो है वो कितना उसमें जो चीज़ होती है उसके पीछे लिखा हुआ होना चाहिए, कंज्यूमर उसको रीड करके फिर वो अपने रिस्क पे ले सकता है जो उसको लेना है। ठीक है, फिर आता है राइट टू चूज, कंज्यूमर्स हैव द राइट टू मेक चॉइस फ्रॉम द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द परचेजिंग पावर। ठीक है, आप ना थोप नहीं सकते हो कि आपको यही वाली दाल लेनी है, आपको यही वाली चीजें लेनी है, उसके पास उसके जेब में जितना पैसा होगा वो उस हिसाब से जाएगा। अब आप गए होंगे ना, रिलायंस गए होंगे, ठीक है, या तो डीमार्ट गए होंगे, अभी तो लोग यहीं से शॉपिंग कर लेते हैं, और यहाँ तो आपके आसपास कोई ना कोई सुपरमार्केट तो होगा ही, तो आप देखते होंगे कि भाई साबुन है समझो, ठीक है, तो साबुन की 20 वैरायटीज हैं, अब आपके जेब में कितना पैसा है उस वैरायटी का साबुन, उस पैसे के हिसाब से वो आप साबुन खरीद सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई नहीं बोलेगा नहीं आपको तो ये वाला साबुन ही खरीदना चाहिए, ठीक है ना, जितना जेब अपने को अलाउ करेगा उतना अपन करेंगे, तो दैट इज द राइट टू चूज। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, अब तो बता दो कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, सब समझ में तो आया, और साथ साथ में वीडियो शेयर कर लीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। ओके, चैनल पे नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारी चीजें आपको अलॉट करके रखी हुई हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे भरपूर मटेरियल मिल जाएगा विद द प्योर एक्सप्लेनेशन। ओके, कोई बकवास चीज यहाँ पे नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से समझा दूं और आप टॉप करें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जब आप एग्जाम देके आए ना, एटलीस्ट अभी प्री बोर्ड जब एग्जाम देके आओ तो बच्चों जरूर बताना कि ये वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इस एग्जाम में, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है कि नहीं हो रही है, और होनी चाहिए। प्यारे प्यारे मेरे पास सब्सक्राइबर्स हैं, सपना की पाठशाला पूरी फैमिली है मेरी, तो सपोर्ट तो करोगे आप, है ना। तो चलो अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आप इसको जल्दी से स्टडी पे लग जाइए, लर्न करके दो बार आंसर लिख दीजिए, बात खत्म, ठीक है, मस्त लर्न कर लीजिए। तो क्या कह रहा है, हाउ इज ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेटेड, या तो फिर इंडिकेटर्स क्या है इसको कैलकुलेट करने के लिए, वो अपन से पूछा गया है। चलिए, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या, पहले थोड़ा वो देख लेते हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ सिंगल इंडेक्स विच मेजर्स द एम्स टू रिकॉर्ड द थ्री की डायमेंशन, ठीक है, तीन मेन डायमेंशन को रिकॉर्ड करता है। सबसे पहले एसेस टू नॉलेज, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की स्टैंडर्ड लिविंग कैसी है, ठीक है, लोगों की लाइफ कैसी है, लॉन्ग एंड हेल्दी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बात हो गई, नॉलेज मतलब कि एजुकेशन की बात हो गई यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बेसिकली ये बताता है कि ह्यूमन लाइफ कितनी ज़्यादा पहले से इम्प्रूव हुई है। देखो, अगर आप ना, अभी तो आप छोटे हो, ठीक है, तो आप अगर अपनी मम्मी से पूछोगे ना कि मम्मी आपके दादा दादी और नाना नानी कैसे रहते, तो बोलेंगे वो ना बहुत ऐसे जैसे गरीबों की तरह, ठीक है, साल भर में ना जब दिवाली होती थी तभी ना कपड़े लेते थे, ज़्यादा लेते नहीं थे, ठीक है, तो तभी वो मतलब पूरे साल में दो जोड़ी कपड़े लेने के और वो पूरे साल भर चलाने के। अच्छा, फिर दूसरा ये होता था कि भाई जैसे तीन चार भाई बहन है, ठीक है, चलो तो दो भाई हैं,
तो एक जो बड़ा भाई है ना, अगर वो स्टैंडर्ड आगे आ जाते तो उसके कपड़े छोटे वाले भाई पहन लेगा, ठीक है, फिर कहीं पे लूज होगा कुछ होगा, मम्मी वहां पे टाका लगा लेती। तो इस तरीके की लाइफ जीते थे। अभी आप और हम जियेंगे क्या? ना ना, ठीक है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो हम उस लाइफ को सोच ही नहीं सकते हैं। दैट मीन्स कि हमारी लाइफ इंप्रूव हो चुकी है, हमारा रहने का तरीका इंप्रूव हो चुका है। दैट इज कंसिडर्ड एज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। समझ में आया? चलिए तो उसके इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो तीन इंडिकेटर्स है, इनकम आ गया, ठीक है, एजुकेशन आ गया, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गया। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, इसका मतलब कि एवरेज लाइफ कितनी होती है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ एन इन्फेंट प्रेडिक्टिंग फॉर दैट फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल द इन्फेंट सर्वाइव इज कॉल्ड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद कब तक वो जिएगा उसको अपन कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फॉर विच अगर हम ये कहते हैं 83.6 ईयर्स हाईएस्ट, इतना जी लिया तो बहुत बड़ी बात है। और कम से कम कितना? हाईएस्ट इज 83.6, और कम से कम 20 साल। ठीक है, एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2015 वॉज 68 ईयर्स। ठीक है, 2015 में आमतौर अगर हम देखें एवरेज निकाले तो एवरेज ईयर जो थी वो 68 तक लोग जी रहे थे, फिर भगवान को प्यार हो जा रहे थे। ठीक है, ये मानते हैं 2015 में। ओके, नाउ नेक्स्ट एजुकेशन इंडेक्स। अब यहाँ पे दो डायरेक्शंस हैं एजुकेशन इंडेक्स में। सबसे पहले मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ओके, इट इज द स्पेंड ईयर्स इन द स्कूल बाय एन अडल्ट टिल द एज ऑफ 25, फॉर विच हाईएस्ट 13.3 ईयर्स एंड द लोवेस्ट 0 ईयर्स हैज बीन डिसाइडेड। ठीक है, तो स्कूल में कब तक? जब तक आप 25 साल के नहीं हो जाते हो। ठीक है, 25 साल तक का, और मैं 25 साल स्कूल, मतलब इसमें सब कुछ आ गया ना, आपका कॉलेज भी आ गया। ठीक है, अगर आप बैचलर डिग्री करते हो, 12th आपने क्लियर किया, फिर आपने बैचलर डिग्री किया, ठीक है, तो बैचलर डिग्री में आते आते आप 23-24 के तो हो ही जाते हो। देखो ना, 12 में आप 18 साल जितने तो हो जाते हो, प्लस 3 साल और आप और गिन ले लो उसके बैचलर के। ठीक है, तो 18, 19, 21 साल, उसके बाद 21-22 होता है, उसके बाद अगर आप 2 साल और करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट तो 2 साल और गिन लो। तो इस तरीके से 25 साल जितना तो अपने इंडिया के अंदर ये है कि 25 साल तक तो बच्चा एजुकेशन के उसमें ट्रैपिंग में ही रहता है। तो जीरो से कम जीरो और मैक्सिमम जो है वो 13 साल, 13.3 साल जितना माना जाता है। 13.3 साल मतलब क्या हो गया? ऑलमोस्ट 10th, 9th, 10th के आसपास की ईयर्स की बात हो रही है। तो एज पर द डेवलपमेंट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ 2015, एवरेज स्कूलिंग इन इंडिया इज 5.4 ईयर्स। ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अभी ये चल रहा है। अब एक्सपेक्टेड मतलब कि कितना होना चाहिए, तो ये मान रहे हैं अपन, ऐसा मानना है कि अप्रोक्सीमेटली ईयर्स दैट अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स विल स्पेंड इन द स्कूल। फॉर दिस हाईएस्ट 18 ईयर्स। अब 18 साल मतलब 12th तक तो स्टडी करनी ही चाहिए बच्चे को। ठीक है, तो इसके लिए अभी ये हो गया है कि भाई 18 साल तक तो करे, और लोएस्ट क्या है? 0 ईयर्स। तो एवरेज इंडेक्स कितना हो गया? 11.7 ईयर्स। ठीक है, इतना उसका होना चाहिए। ओके, फिर हम बात करते हैं इनकम इंडेक्स, मतलब लाइफस्टाइल कैसी है। तो सीधी बात, पैसा ज्यादा तो लाइफस्टाइल जोरदार है ना। पैसा ज्यादा आएगा तो आप ना अरमानी की भी टी शर्ट खरीदोगे है ना, पुमा के शूज पहनोगे। अब पैसा नहीं होगा तो लोकल 200 रुपए की टी शर्ट पहनेंगे, 100 रुपए की चप्पल पहनेंगे हम लोग। सीधी बात हो, दैट मीन्स लाइफस्टाइल आती है इनकम से। तो फॉर डिटरमाइनिंग सब्सिस्टेंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP इसको कहते हैं हम लोग। तो पर कैपिटा GDP इज रिप्लेस बाय द ग्रॉस इनकम नेशनल इनकम। ठीक है, GNI से रिप्लेस कर लिया हम लोगों ने, GDP को रिप्लेस कर लिया GNI से। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम वॉज $5,497, वाइल पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम वॉज $5,238। ठीक है, ये नेशनल लेवल से कंपेरिजन कर रहे हैं इस हिसाब से। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है पर कैपिटा इनकम ऑफ एनी ऑफ द नेशन इनकम, ठीक है, किसी भी नेशन का अगर आपको देखना है तो कैसे करेंगे कि भाई ऑन द बेस ऑफ करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट करेंसी क्या है बच्चा जी? डॉलर में। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज अ परचेसिंग पावर पैरिटी। ओके, PPP याद करना, परचेसिंग पावर पैरिटी, क्योंकि USA इज द फर्स्ट नंबर देश, ठीक है, जहां पैसों के मामले में, और ये फर्स्ट नंबर आता है। तो USA की करेंसी डॉलर है, ठीक है, तो उसके उनके डॉलर के मुकाबले हर कंट्री का वो लोग देखेंगे कि भाई पर कैपिटा इनकम कितना है उनका। ठीक है, कंट्री के हिसाब से, तो टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम को डिवाइड करके, तो उसके डॉलर के पर कैपिटा इनकम से कितने नज़दीक है अमेरिका के, उससे वो लोग पहचान जाएंगे कि ये कंट्री जो है वो डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, क्या है, प्रोग्रेसिव है, नहीं है, वहां से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये सब तरीके होते हैं
HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए. ओके बच्चा पार्टी, ठीक है. सो टुडे सेशन इज ओवर. मजा आया? आया हो तो जरूर जरूर बताइएगा. मैं ये 2 से 3 बार पूछ चुकी हूँ, ठीक है. मुझे पता है पूरे सेशन के अंदर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ, ठीक है. मैं चाहती हूँ आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं. एंड अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नए सेक्शन, नए पेपर, नए सब्जेक्ट, जो भी हुआ, ठीक है. जितना मुझसे होता जा रहा मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी. आप लर्न करते जाइए और नेक्स्ट सेक्शन में अगेन नई चीज़ के साथ हम मिलेंगे, नई नई बातें करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे भी. टिल देन आप बस अच्छे से स्टडी कीजिए. ओके, कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग. 2 महीने ही बाकी हैं, अच्छे से हार्ड वर्क कर लीजिए. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय, टेक केयर.